Hello students, I welcome you all to this special class of our educational section, and today we are going to start a new section of, and it, I have named it as the confusion. You will आप इन सारे words के बारे में पढ़ेंगे और उस section का नाम होगा the confusion. आप इस जब channel में आप the confusion जो section है उसे जब on करेंगे तब आपको ये सेक्शन नज़र आएगा जिसमें मैंने कुछ अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है. आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड इन सम डिफरेंट वे. ओके, आई एम फोकसिंग मोर ऑन योर इंग्लिश रूट्स सो दैट यू कैन डेवलप योर सेल्फ, बिकॉज यू नो इफ यू विल गेट टू नो एनी सब्जेक्ट. आई नो यू कैन गेट द नॉलेज ऑफ मैथ्स, साइंस, SST, हिंदी और एनीथिंग एल्स, बट यू नीड टू एक्सप्रेस इट. English is just not a subject, it is a tool, it is an instrument which makes you express yourself before the people. When you are talking to them, when you are in some conversation with someone, you need a tool to express yourself, and for that tool you need vocabulary. Means shabdakosh, means you have to learn some more words and you have to just use them in a magical way. Okay, so today we are going to study about four words which are so confusing because they are so similar. Respect का मतलब होता है आदर, ठीक है. Respective मतलब होता है अपना या अपने. Respectable मतलब होता है सम्मानित या आदरणीय. रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः. तो देखिए, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टेबल और रेस्पेक्टिवली, ये वर्ड्स जो हैं बिल्कुल ही सिमिलर हैं, लेकिन उनकी मीनिंग जो होती है वो अलग कैसे हो जाती है. अब रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? आई पे रेस्पेक्ट टू माय एल्डर्स, मैं अपने बड़ों को आदर देता हूँ, यानी कि सम्मान प्रकट करता हूँ. रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है आई वेलकम ऑल द रेस्पेक्टेबल रेस्पेक्टेबल पीपल इन टुडेज फंक्शन. जैसे आप फंक्शन में बहुत से लोग आए हैं, सम्मानित लोग आए हुए हैं, तो उनके सम्मान में आप क्या बोलेंगे? मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों का, आदरणीय व्यक्तियों का या सम्मानित व्यक्तियों का. तो वहाँ पे आप यूज द वर्ड रेस्पेक्टेबल. ओके, जब आपको बस रिस्पेक्ट जो है वो क्या काम करता है, एक वर्ब का काम करता है, यानी कि क्रिया का काम करता है, और रेस्पेक्टेबल जो वर्ड होता है वो किसका काम करता है, यानी कि वो काम करता है एडजेक्टिव का. एडजेक्टिव मतलब होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुण बता रहा है, ठीक है. रेस्पेक्टिव क्या होता है? जैसे when you attend your school assembly, often when assembly is over, you are commanded by the head boy of the school or head girl of the school or the teacher of the school to march by pass assembly, disperse and move one by one and go to your respective classes. Go to your रेस्पेक्टिव क्लासेस. इसका मतलब है कि आप सभी अपने अपने, रेस्पेक्टिव का मतलब अपने अपने क्लास में चले जाइए. तो रेस्पेक्टिव का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अपने सम्मानित क्लास में चले जाइए. आप रेस्पेक्टिव लिखा है तो आप इसको रेस्पेक्ट समझ लेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको. गो टू योर रेस्पेक्टिव क्लासेस, यानी कि आप अपनी क्लास में जाइए. रेस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने, आदर नहीं प्रकट कर रहे, थोड़ा यहाँ रेस्पेक्ट है या रेस्पेक्टिव है, ठीक है. दिस इज द कन्फ्यूजन विच इज गोइंग टू बेफल यू, एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी पैनिक्ड, बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू गो थ्रू दीज वर्ड्स, वेन यू विल सी दिस वर्ड समवेयर इन द बुक रेस्पेक्टेबल रेस्पेक्टिव, यू थिंक अबाउट दैट इट इज सिमिलर टू रेस्पेक्ट एंड इट इज सम काइंड ऑफ साइनोनिम्स, एंड यू विल जस्ट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द सेम मीनिंग of respect, respective and respectable. You will not able to make the difference. So I'm just making you clear about that. Respectively,
It is so similar to respective, but it has different meaning. Kramasa means I gave. Bag and book to Ram and Shyam respectively. अब respectively का इस्तेमाल क्या आप कहते हैं, जैसे क्रमशः respectively का मैंने अपनी किताब और अपना बस्ता क्रमशः राम और श्याम को दिया, मैंने राम को दिया, उसके बाद बुक उठा के किसको दे दिया, श्याम को दे दिया। बात समझ में आ रही है? रेस्पेक्टिवली कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे एक चीज़ पहले होती है और एक चीज़ के बाद में होती है। बैग दे दिया है राम को, बुक दे दिया है श्याम को, लेकिन बैग पहले राम को दिया होगा, पहले बैग मेंशन है, फिर पहले राम है, तो मैंने बैग बस्ता और किताब क्रमशः राम और श्याम को दिया, यानी कि बैग राम को दिया है और किताब किसको दी है, श्याम को दी। आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर और एग्जांपल ले लेंगे। टेक योर रेस्पेक्टिव सीट्स, इसका मतलब क्या है, आप अपनी अपनी सीट्स ले लीजिए। टेक योर रेस्पेक्टिव सीट्स मतलब आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, तो रेस्पेक्टिव का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे कि आप दो जगह गए, आई या फिर माय फादर रेड द वेंट दिल्ली एंड मुंबई। ए इन्वर्टर जल्दी ऑन करो, इन्वर्टर ऑन। मुंबई रेस्पेक्टिवली, सॉरी फॉर द पावर फेलियर, वी आर बैक अगेन। माय फादर वेंट टू दिल्ली एंड मुंबई रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर आपके पिताजी पहले दिल्ली गए, फिर मुंबई गए, तो आप इसको अब बोलेंगे मेरे पिताजी क्रमशः दिल्ली और मुंबई गए, यानी कि पहले दिल्ली गए फिर क्रम से गए, पहले दिल्ली गए फिर मुंबई गए। बात समझ में आ रही है? ये तो कन्फ्यूजिंग नहीं है आपके लिए, आप जस्ट गिवन वन एग्जांपल ऑफ इट, ठीक है। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, यू कैन राइट मेनी मोर एग्जांपल्स, ओके, रेस्पेक्टेबल। सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रेस्पेक्ट का मतलब आदर है, रेस्पेक्टिव का मतलब अपना अपने है, रेस्पेक्टेबल मतलब आदरणीय या सम्मानित है, रेस्पेक्टिवली मतलब है क्रमशः। बात समझ में आ रही है? इफ यू आर गेटिंग एनी कन्फ्यूजन जस्ट कंसल्ट मी, इफ यू कैन कमेंट बिलो, इफ यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल देन इफ यू आर गेटिंग द नोटिफिकेशन देन डू वॉच ऑल द वीडियोज, इट इज गोइंग टू मेक यूर कन्फ्यूजन क्लियर एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रॉब्लम फर्दर। You should not be baffled, you must be clear and big and try to use these words. I'm giving you many classes on some special words. I have started from Z. I hope you are learning all the words. And now this is the first class where I'm giving you the words which are so confusing. And from today now you will be able to find the difference and use them to their greatest utility, to the greatest utility of those words. And I hope you're working hard. Just be safe and always remember, we all are learners. Keep working hard and surely and certainly, me and you, all of us, I and you, all will just reach to the top. Thank you.